राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रेसिडेंट कोविंद नौसेना के स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए। इसके बाद ईस्टर्न नेवल कमांड ने राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू के 12वें संस्करण के दौरान 21 तोपों की सलामी दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापत्तनम में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले विशाखापत्तनम में आयोजित 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद नौसेना के स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने INS सुमित्रा में सवार होकर नौसेना के बेड़ों की समीक्षा की। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।